लास्ट क्लास हमने वाटर पॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था ना. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग नाउ, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, flowers which undergo pollination by insects, flowers which undergo pollination by insects are known as entomophilous flower. Entomophilous flowers, and this phenomena is known as entomophily. This phenomena is known as entomophily. Now write down heading, characteristics of entomophilous flowers. Characteristics of entomophilous flowers. First, likho isme. Flowers should be colorful and attractive. Second likho, flowers should contain nectar. Flowers should contain nectar. Next likho, if flowers are small in size then it should present in cluster or group. It should present in cluster or group. Next likho, flowers should contain a specific order or fragrance to attract insects. Write down next point, pollen grains should be sticky in nature. So these are the different characteristics of entomophilous flowers. अब देखो बच्चों, entomophilous flowers के characteristics से ज्यादा important यहां पर है plant pollinator relationship. Plant pollinator relationship is a kind of relationship in which
स्पेसिफिक इंसेक्ट ले डाउन देयर एग्स इनसाइड द लोक्यूल इनसाइड द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड ओवरी. जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अलावा स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस में एग ले डाउन करना. ये एग्स किसने ले डाउन किए हैं? इंसेक्ट्स. इन एग्स से लार्वा निकलता है. ये लार्वा यहां से न्यूट्रिशन लेता है. तो किसको बेनिफिट हुआ? बदले में जब इंसेक्ट्स एग ले डाउन करने आता है तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन परफॉर्म करता है. क्या परफॉर्म करता है? पॉलिनेशन. दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज एंड इट्स अ एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर इंसेक्ट्स और प्लांट्स स्पेसिफिक होते हैं. अगर किसी वजह से इंसेक्ट की वो वैरायटी एक्सटिंक्ट हो गई तो उस प्लांट का पॉलिनेशन कभी नहीं होगा. मींस प्लांट भी क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट. अगर प्लांट गलती से एक्सटिंक्ट हो गया तो वो इंसेक्ट अपने एग कहीं और ले डाउन नहीं कर पाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? That type of relationship is called co-extinction. क्या कहलाता है? और जब दोनों साथ में सर्वाइव कर रहे हैं that is called co-existence. क्या कहलाता है? और ये phenomena continuously चला आ रहा है कई टाइम से that is called co-evolution. तो co-extinction, co-existence and co इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यक्का. इस प्लांट का पॉलिनेटर है प्रोन्यूबा मॉथ. क्लियर? सेकंड, फिग. फिग क्या होता है? हाँ, इसका पॉलिनेटर है वेस्प. ये फिक्स पॉलिनेटर्स हैं फिक्स प्लांट्स के. ठीक है, ऐसे ही ऑर्चिड की एक वैरायटी होती है ओफायरिस. उसका पॉलिनेटर होता है बम्बल बी. तो दीज आर द फ्यू स्पेसिफिक प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर्स. क्लियर ये पॉइंट? इसके अलावा कुछ प्लांट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं फिग और वेस्प की, ऐसे एक प्लांट होता है सेल्विया का. ये जो प्लांट्स हैं जैसे सेल्विया हो गया या फिग हो गया, जब इंसेक्ट्स इनका पॉलिनेशन करने आते हैं या इंसेक्ट्स एग ले डाउन करने आते हैं तो ये किसी एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू उन इंसेक्ट्स के ऊपर अपने पॉलिन ग्रेन डाल देते हैं. जब वही इंसेक्ट्स दूसरे प्लांट पर जाएगा तो वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरकर क्या करते हैं? पॉलिनेशन. क्लियर ये पॉइंट? तो कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म हैं, वो हमें डिटेल में स्टडी तो नहीं करनी है बट हमें वो नाम पता होना चाहिए. जैसे सेल्विया प्लांट में जो मैकेनिज्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड टर्न्ड पाइप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. फिग प्लांट में जो यूज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रैप डोर मैकेनिज्म. कभी कभी हम मार्केट से फ्रूट लेते हैं और वो फ्रूट बाहर से बहुत अच्छा होता है और जब उसको काटते हैं ना तो अंदर से इंसेक्ट्स निकलते हैं. दैट इज द रीजन ओवरी कन्वर्ट इनटू
और बीच में ही जिंदा रह सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? इसीलिए कभी भी फ्रूट खाओ तो उसको क्लियर ये पॉइंट्स। तो दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर। एक प्लांट का नेम और भी है आपकी बुक में, दैट इज एमोर्फोफेलस। रेफ्लेशिया की तरह इसके फ्लावर की भी हाइट मैक्सिमम जाती है, लार्जेस्ट फ्लावर में काउंटिंग आती है इसकी। यहाँ पर भी पॉलिनेटर जो होता है वो इंसेक्ट होता है और वो अपने एग ले डाउन करता है और बदले में क्या करता है इसका पॉलिनेशन। कुछ पॉलिनेटर बड़े अच्छे होते हैं, वो आते हैं पॉलिन ग्रेन चुराते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते हैं। वो पॉलिन ग्रेन्स को ले जाकर या नेक्टर को ले जाकर अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं। दोज आर नोन एज, मतलब इंसेक्ट भी चोर होते हैं। क्लियर ये पॉइंट? तो सम इंसेक्ट्स जस्ट टेक द पॉलन ग्रेन्स टू कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन, दे नेवर एवर परफॉर्म पॉलिनेशन। दोज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन एज, लिखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप लिखो इसमें, देयर आर फ्यू प्लांट्स, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच हैव, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच हैव देयर स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स, विच हैव देयर स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दीज पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट्स, दीज पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट्स ले डाउन देयर एग्स, ले डाउन देयर एग्स इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ ओवरी। लॉक्यूल ओवरी के अंदर खाली स्पेस है जहां पर ओव्यूल प्रेजेंट नहीं है। इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ ओवरी एंड दे ऑल्सो परफॉर्म पॉलिनेशन, दे ऑल्सो परफॉर्म पॉलिनेशन। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एग्स ऑफ इंसेक्ट डेवलप टू फॉर्म लार्वा विच टेक न्यूट्रिशन by feeding on plant tissue, which take nutrition by feeding on plant tissue. Examples लिखो, एक साइड लिखो प्लांट, एक साइड लिखो पॉलिनेटर्स। प्लांट्स में पहले एग्जाम्पल लिखो यक्का, पॉलिनेटर लिखो प्रोनिबा मॉथ। सेकंड लिखो फिग, पॉलिनेटर वैस्प, उसके सामने लिख लेना ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। नेक्स्ट लिख लो ऑर्चिड,
ऑर्चिड की वैरायटी है ओफायरिस, और इंसेक्ट है बम्बल बी। इसकी हिस्ट्री सुनो, ऑर्चिड की जो ये वैरायटी है ओफायरिस, इस ओफायरिस का जो फ्लावर होता है, क्या होता है, उसका एक सिंगल पेटल फीमेल बम्बल बी की तरह दिखाई देता है। मेल बम्बल बी उसको फीमेल बम्बल बी समझ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दैट इज कॉल्ड स्यूडो कॉपुलेशन। क्या कहलाता है? फॉल्स कॉपुलेशन। बदले में प्लांट का पॉलिनेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट याद रखना, फ्लावर का सिंगल पेटल। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, प्लांट का नाम लिख लो सेल्विया। इसका कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट नहीं होता, सेल्विया। ब्रैकेट में लिख लो टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अनदर प्लांट दैट इज एमोर्फोफिलस another plant that is amorphophilus which contain one of the largest flower which contain one of the largest flower also undergo pollination by insect। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है। रेफ्लेशिया 9th की बुक में, स्पेशली इन ICSE पैटर्न, ये लिखा गया है कि रेफ्लेशिया का पॉलिनेशन एलिफेंट के थ्रू होता है, क्योंकि वो लार्जेस्ट फ्लावर है और वो लार्जेस्ट, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, इंसेक्ट्स के थ्रू ही रेफ्लेशिया का भी पॉलिनेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट याद रखना। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पॉलिन रॉबर्स। लिखो इसमें इंसेक्ट्स विच Either take pollen grains or take nectar from plant without performing pollination are said to be pollen robbers, बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन,
देखो बच्चों मेरी बात सुनो, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा। मैं यहां पर एक ही पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट यहां पर कई सारे पॉलन ग्रेन लैंड्स करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन यहां पर लैंड करे वो उसी प्लांट का हो, दूसरा पॉलन ग्रेन भी यहां पर पहुंच सकता है। समझ में आई मेरी बात? स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल्स रिलीज करती है। दैट केमिकल आइडेंटिफाई इट्स ओन पॉलन ग्रेन, या तो वो सेम स्पीसीज का हो या सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट हो। तो स्टिग्मा केमिकल रिलीज करके पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करती है। दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाता है, अपना पॉलन ग्रेन वो एक्सेप्ट कर लेता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है अगर वो टू सेल्ड स्टेज में आया है, कितने सेल स्टेज में, तो यहां पर आकर पहले जनरेटिव सेल अपना सेकेंड माइटोसिस कंप्लीट करेगी और वो टू सेल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री सेल्ड में। और अगर वो ऑलरेडी थ्री सेल्ड में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ये पॉइंट? अब जैसे ही स्टिग्मा उस केमिकल को रिलीज करके अपने पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करती है, यही वो जगह है जहां पर अगर स्टिग्मा अपने पॉलन ग्रेन के साथ कंपैटिबल नहीं हुई तो यहां पर कौन सा फिनोमिना होगा, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी। कौन सा फिनोमिना होगा? अब जो केमिकल यहां पर स्टिग्मा ने रिलीज किया उसको एब्जॉर्ब करके ट्यूब सेल का साइज इंक्रीज होता है और जो यहां पर जर्म पोर प्रेजेंट है वहां से ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना कहलाता है साइफोनोगैमी। क्या कहलाता है? जनरली इन ईच पॉलन ग्रेन वन पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइफोनोगैमी। बट कई केसेस में एक ही पॉलन ग्रेन से कई सारी पॉलन ट्यूब भी बनती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनोगैमी। क्लियर? ये पॉलन ट्यूब किसने बनाई? ट्यूब सेल। कौन सी सेल? ट्यूब सेल का दूसरा नाम वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल का न्यूक्लियस सबसे आगे प्रेजेंट होता है क्योंकि वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं दोनों मेल गैमीट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? दोनों मेल। अब ये पॉलन ट्यूब केमिकल्स रिलीज करती है और स्टिग्मा और स्टाइल को क्रॉस करते हुए आगे मूव करती है। अगर स्टाइल हॉलो है तो वो इजीली एंटर कर जाएगी, अगर स्टाइल सॉलिड है तो वो केमिकल स्टाइल की सेल्स को ब्रेक करते हैं और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है। क्लियर ये पॉइंट? अब ये पॉलन ट्यूब जो आगे जा रही है वो चलाजा, ये एंड कौन सा है, यहां से भी एंटर कर सकती है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से होते हुए भी एंटर कर सकती है, बट यहां पर माइक्रोपाइल साइट की तरफ जो दो सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं दे कंटेन
apparatus that is called filiform apparatus. That apparatus produce a chemical contain calcium and boron. Calcium and boron. That is called calcium boron inositol complex. हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था बोरोन हेल्प इन पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन, याद है? सब गायब. पढ़ा था फंक्शन ऑफ बोरोन क्या था? पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन. अब ये कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स पॉलिन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब कोई केमिकल किसी स्ट्रक्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन डिसाइड है, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. क्या कहलाता है? तो जो पॉलिन ट्यूब का मूवमेंट है इनसाइड द कार्पल और पिस्टल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. ये पॉलिन ट्यूब एंटर करती है इनसाइड द फीमेल गैमिटोफाइट थ्रू सिनर्जिड्स, थ्रू, और जैसे ही एंटर करती है अब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है. तो किस न्यूक्लियस का काम कंप्लीट हो गया? ट्यूब न्यूक्लियस. अब वो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है. कहां तक? पॉलिन ट्यूब बनाने तक. क्लियर ये पॉइंट? अब पॉलन ग्रेन के यहाँ पर लैंड करने से लेकर स्टिग्मा के इसको रिसीव करने, इसके जर्मिनेट करने, पॉलन ट्यूब के बनने, पॉलन ट्यूब के यहाँ तक अंदर एंट्री करने तक के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्लियर ये पॉइंट? ये बोर्ड एग्जाम लेवल पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आज हमें याद है, दो दिन बाद सब गायब हो जाएगा. क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? लिखो. आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. Stigma release some specific chemicals. Stigma release some specific chemicals to identify its own pollen grains while reject pollen grains of other species. Reject pollen grains of other species. Likho next point. Sometimes stigma also reject its own pollen grain. Sometime stigma also reject its own pollen grain due to self incompatibility. Likho next point. As soon as pollen grain is identified by its own stigma, it complete its second mitosis. ब्रैकेट में लिख लो, इफ नॉट अकर्ड अर्लियर.
इफ नॉट अकर्ड अर्लियर. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. ट्यूब सेल ऑफ पॉलन ग्रेन. ट्यूब सेल ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. प्रोड्यूस अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कम्स आउट थ्रू जर्म पोर. विच कम्स आउट थ्रू जर्म पोर एंड नोन एज पॉलन ट्यूब. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी. द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. नाउ पॉलन ट्यूब contain tube nucleus at the tip. Now pollen tube contain tube nucleus at the tip as well as two male gametes. And it starts to move through. It starts to move through stigma and style. Write down next point. Pollen tube can enter inside the ovule. Pollen tube can enter inside the ovule by three mechanism. First likho through chalaza. Jab chalaza se entry hoti hai to isko hum bolte hain chalazogamy. through chalazogamy. जब सेकेंड लिखो through integuments के थ्रू एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड mesogamy. थर्ड लिखो through micropyle. इसको स्टार बना लेना. लिखो पोरोगैमी और लिख लेना मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा यहीं से एंटर करती है पॉलन ट्यूब. मोस्ट कॉमन. यहां पर भी कई सारे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं. जैसे स्पर्म्स कई सारे एंटर करते हैं बट ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद ओवा. सिमिलरली कई सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर लैंड करते हैं उनसे पॉलन ट्यूब बनती है. जो पॉलन ट्यूब पहले पहुँच जाएगी वही वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगी. क्लियर. लिखो आगे नेक्स्ट पॉइंट. एट माइक्रोपाइल एंड Filiform apparatus of synergids at micropyle end. Filiform apparatus of synergids produce
कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स विच अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स इट, विच अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स इट, एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. लास्ट पॉइंट लिखो, ऑल दीज इवेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन.